साहिबगंज जिला के पढ़रवा रेलवे स्टेशन चौक में प्रखंड कांग्रेस कमेटी के बैनर तले भाजपा नेता सीपी सिंह का पुतला दहन किया गया, जिसका नेतृत्व कांग्रेस ओबीसी विभाग के प्रदेश महासचिव अश्विनी आनंद ने किया। उन्होंने कहा कि सदन के अंदर ऐसी विवादित टिप्पणी की घोर निंदा करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सीपी सिंह को सार्वजनिक रूप से बन्ना गुप्ता से माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मैं अध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आज सदन के अध्यक्ष माननीय आचरण क्या सिखाइएगा, स्वास्थ्य मंत्री को आचरण सिखाइए, अरे टेम्पो एजेंट क्या बात करेगा, अरे टेम्पो एजेंट क्या बात करेगा, क्या बात करते हैं, बोलिए आप, बोलिए ना आप, बोलिए अपना, बोलिए क्या करते, सब लोग बोले, आप बोलिए, स्वास्थ्य मंत्री हो गया तो आज का मुख्य उद्देश्य है, कल विधानसभा मानसून सत्र के दौरान हमारे झारखंड के माननीय प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी को हमारे भाजपा के परम आदरणीय सीपी सिंह जी द्वारा अपमानित किया गया है। उस अपमानित के बदले में आज समस्त झारखंड प्रदेश में जो है सीपी सिंह का पुतला दहन किया जा रहा है, और भाजपा के पास अभी ना कोई मुद्दा है ना कोई विकल्प है, वो पूरे सदन को दिग्भ्रमित कर रही है ताकि वो अपना पक्ष जो है बेफिजूल का रखे और पूरे जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। इसी कारण से आज हम सभी कांग्रेस के सिपाहीगण जो है स्टेशन चौक बहाड़वा में उनका पुतला दहन किए, और यदि सीपी सिंह द्वारा माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी से माफ़ी नहीं मांगा जाता है तो ये आंदोलन इससे भी ज़्यादा उग्र हो सकता है। और से सीपी सिंह का पुतला दहन हम लोग कार्यक्रम किए ताकि विगत दिनों कल मानसून सत्र के दौरान में हम लोग हम लोग के मंत्री माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को अपमान किया, टेम्पो चालक कह करके और आपका टेम्पू चालक करके मजदूर करके और पिछड़ी जाति को अपमान किया है, वह हम लोग कांग्रेस परिवार कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस लोकतंत्र में कोई भी टेम्पू चालक हो या चाय बेचने वाला हो, कोई भी मंत्री कोई भी विधायक बन सकता है, उसको भाजपा के लोग हमेशा अपमानित करते हैं। तो हम लोग कांग्रेस परिवार की ओर से पूरे प्रदेश में सभी जिला सभी प्रखंड में उसका हम लोग इतना धर्म कार्यक्रम चला रहे हैं।